जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज जमीन घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। वे जेल से बाहर भी आ चुके हैं। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनको लेने के लिए जेल पहुंची थी। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे झूठे आरोपों में 5 महीने तक जेल के अंदर रखा गया। सुनियोजित तरीके से लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है, मंत्रियों को जेल में डाल दिया जा रहा है। न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि न्याय मिलने में महीनों लग रहे हैं। मेरे मामले में कोर्ट का आदेश आज सभी को मिलेगा, उसे देखना चाहिए। कोर्ट के आदेश का आपको आकलन करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है। आज मेरी जेल यात्रा खत्म हुई, ये हेमंत सोरेन ने कहा। तो दोस्तों, हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद सवाल उठने लगे हैं, चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वे दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, क्या चंपई सोरेन उनके लिए कुर्सी खाली करेंगे, या झारखंड में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में संभावित विधानसभा चुनाव तक चंपई सोरेन ही सरकार के मुखिया बने रहेंगे, और क्या हेमंत सोरेन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रुख में कुछ बदलाव आया है, कुछ नरमी आई है। इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, 2014 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी पूरे फॉर्म में थी, और ईडी सीबीआई तो विपक्षी नेताओं के घर कभी भी धमक जाती थी। सुबह हो या शाम, विपक्षी नेता इस अंदेशे में रहते, इस चिंता में रहते कि पता नहीं कब उनके यहाँ छापा पड़ जाए। लेकिन अब जबकि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे रह गई और मोदी जी की सरकार नायडू साहब और नीतीश बाबू की बैसाखी पर आ गई है, खुद मोदी जी के चेहरे का नूर, उनके चेहरे का तेज घट गया है। चेहरा एकदम से बुझा बुझा सा दिखता है। शाह साहब जिनका इतना खौफ था, उनका खौफ भी खत्म हो गया है, बल्कि शाह जी तो अब नेपथ्य में जाते हुए दिखाई देने लगे हैं। सहयोगी दलों से बात करना हो या विपक्षी नेताओं से, अब राजनाथ सिंह को आगे किया जाता है। अब राजनाथ सिंह सरकार में नंबर 2 की हैसियत में आ गए हैं, वरना बेचारे राजनाथ जी को निंदा करने के अलावा कोई काम ही नहीं दिया जाता था, उनका नाम ही निंदा चाचा पड़ गया था। तो दोस्तों, जब वोट घट गए और सीटें घट गईं, तो क्या अब ईडी सीबीआई का इस्तेमाल भी घटेगा? क्योंकि अभी तो नीतीश और नायडू का सहारा है, लेकिन आगे क्या होगा इसको कोई नहीं जानता। अगर नीतीश बाबू ने या नायडू साहब ने लंघी मार दी, कन्नी काट ली, तो मोदी सरकार तो मुंह के बल गिर जाएगी। ऐसे में इंडिया अलायंस में शामिल छोटे दलों पर भारतीय जनता पार्टी ने अब नज़र गड़ानी शुरू की है। इन छोटे दलों को धीरे धीरे अपने पाले में करने की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस साल के अंत में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी है। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ झारखंड में भी खबरें आ रही हैं कि अक्टूबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं, सितंबर के महीने में आचार संहिता लग सकती है, और झारखंड में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में चुनाव हो सकता है। कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक भारत का निर्वाचन आयोग तय सीमा के 6 महीने के अंदर, यानी जब विधानसभा की अवधि पूरी हो रही है उसके 6 महीने के अंदर कभी भी चुनाव करा सकता है। इसमें राज्य की सरकार कोई अड़चन नहीं डाल सकती है। तो झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त होने वाला है। ऐसे में 5 जुलाई से लेकर 5 जनवरी के बीच चुनाव कराने पर राज्य की सरकार आपत्ति नहीं कर सकती। और इस बीच हेमंत सोरेन को बेल भी मिल गई है, तो झारखंड हाईकोर्ट ने उनको नियमित जमानत दी है, यानी रेगुलर बेल दी है। तो 5 महीने बाद हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ चुके हैं। तो रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी ने 31 जनवरी की शाम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, उसके पहले उनसे 7-8 घंटे पूछताछ की गई थी। तो दोस्तों, भाजपा के बहुमत से दूर रहने का और मोदी जी का जो तेज घट गया है,
उसका असर दिखने लगा है। मैं कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। कोर्ट तो सबूतों को देखता है और गवाहों को सुनता है, लेकिन केस तो पार्टियां लड़ती हैं। तो राजनीतिक बदलावों का असर ये होता है कि सामने वाली पार्टी आपको रास्ता देने लगती है, पैसेज देने लगती है। हेमंत सोरेन की याचिका पर उनको जमानत मिलने का आदेश हाईकोर्ट ने आज दिया है, लेकिन उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 13 जून को ही पूरी हो चुकी थी। 3 दिनों तक चली सुनवाई में जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था। इस सुनवाई में ईडी की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा था कि वे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जमानत उनको मिली तो वे राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाई अंचल की 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन पर कब्जा किया है। वह जमीन उनके नाम से ही है, जबकि ईडी का कहना है कि इस बात की पुष्टि खुद पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू ने अपने बयान में की है, और यही बात बड़गाई अंचल के सीओ और राजस्व कर्मी भानु प्रताप ने भी पूछताछ में बताई है। और यह सब पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है। उधर हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला ही नहीं बनता है, यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का मसला है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही है वह महज उसका अनुमान है, स्पेकुलेशन है। हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि जिस जमीन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रहा है वह तो उनके नाम से है ही नहीं, ईडी सिविल मामले को क्रिमिनल केस बना रहा है। ऐसे में उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जमानत दी जाए। तो आज हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हेमंत सोरेन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले। उनको जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये जाहिर है, ये पहले से भी कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ सबूत नहीं है। ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ जो चार्ज लगा रहा है वो सिर्फ जमीन कब्जे का चार्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात ईडी कह रहा है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई, कैसे हुई, ये ईडी बता नहीं रहा है। पैसा कहाँ से आया, किसको दिया गया, ये कोई चर्चा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन का सीधा सपाट अर्थ होता है काले धन को सफ़ेद करने का प्रयास करना। तो एक पल के लिए अगर मान भी लें कि हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल की 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, तो ईडी ये क्यों नहीं बता रहा है? क्या वे पैसे लेकर कब्जा करना चाहते थे, या बलपूर्वक कब्जा करना चाहते थे, या धोखे से कब्जा करना चाहते थे, आखिर क्या करना चाहते थे? ईडी कुछ नहीं बता रहा। पैसों की तो कोई बात ईडी कर ही नहीं रहा है। उसका पूरा जोर इस बात को साबित करने में है कि हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल की 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। तो अगर मान लें कि हेमंत सोरेन की मंशा जमीन कब्जा करने की थी या उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा था, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आई? क्या जमीन मालिक के साथ कोई डील हुई, कोई सौदा किया गया, क्या उसे पैसे दिए गए, कोई काला सफ़ेद धन दिया गया? तो इस पर ईडी की तरफ से एक शब्द भी कहा गया हो ये तो मैंने कहीं ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा। और अगर किसी की ज़मीन पर कब्जा करने का या ऐसे किसी तरह के प्रयास को अगर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग कहता है, तब तो ईडी को उन सभी मामलों को अपने हाथ में लेकर जांच करनी चाहिए जो किसी की संपत्ति पर जबरन कब्जा किए जाने से संबंधित हैं। दोस्तों, इस देश में, इस भारत देश में लाखों लोगों ने दूसरों की ज़मीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है। पीड़ित लोग पुलिस के पास, नेताओं के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं, कोर्ट में मामले पेंडिंग हैं। काश काश की ईडी को उन लोगों का दुख भी दिखता। बड़गाई अंचल की जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार करके 5 महीने जेल में रखा,
उनको मुख्यमंत्री का पद तक गंवाना पड़ा। वह भूहरी जमीन है, सीएनटी एक्ट में भूहरी नेचर की ज़मीन है, उसका ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। हेमंत सोरेन के नाम पर ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, सिर्फ बयान है। ज़मीन दलालों के बयान, अंचल कर्मियों के बयान, पिंटू के बयान, लेकिन बिना पेपर के और बिना मनी ट्रेल के अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है तो मैं ईडी के अफसरों से पूछना चाहता हूं कि भाई आप उन हज़ारों लाखों लाचार बेसहारा लोगों की मदद क्यों नहीं करते जिनकी ज़मीनों पर, जिनकी प्रॉपर्टियों पर दबंगों ने, रसूखदारों ने जबरन कब्ज़ा करके रखा हुआ है। जाइए ज़रा उनकी भी मदद कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि समस्या यह है कि देश के ये लाचार लोग राजनेताओं और पार्टियों के लिए कोई काम के नहीं है, कोई पॉलिटिकल टूल नहीं बन सकते ये लोग। तो दोस्तों अब ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि ईडी का अगला कदम क्या होता है। क्या ईडी हेमंत सोरेन को ज़मानत दिए जाने के विरोध में ऊपरी अदालत में अपील करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर ईडी की तरफ से कोई ढीला रुख, कोई नरम रुख अपनाया जाता है तो इसे मान लेना चाहिए कि मोदी सरकार हेमंत सोरेन की तरफ नरम पड़ती जा रही है। मान लेना चाहिए कि मोदी और भाजपा की तरफ से एक छोटा सा रास्ता, और रास्ता न कहें इसको, एक रोशनदान, एक रोशनी आने की जगह छोड़ी गई है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को भाजपा में लाने और चुनाव लड़ाने के बावजूद बीजेपी को जिस तरह पांचों आदिवासी सीटें गंवानी पड़ी हैं उसने भाजपा को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। जब तक झारखंड की 28 आदिवासी सीटों में से कम 14 या 15 सीटें नहीं लाती तब तक वह इस राज्य में, इस झारखंड में सरकार बनाने का सपना ही देख सकती है। इसे हकीकत में तब्दील करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अब हेमंत सोरेन को बेल मिल गई है और वे जेल से बाहर भी आ गए हैं। तो अब झारखंड की पूरी सियासत एक बार फिर 380 डिग्री पलट जाएगी, घूम जाएगी। चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन अपनी सभाओं में कहती थी कि हेमंत सोरेन को जेल से छुड़ाने की ताकत झारखंड की जनता के वोट में है। वोट ही वह चाबी है जिससे हेमंत सोरेन जेल का फाटक तोड़कर बाहर आ सकते हैं। तो चुनाव हुए और चुनाव नतीजों के 24 दिन बाद हेमंत सोरेन को बेल मिल गई है, वो जेल से बाहर आ गए हैं। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा में और इंडिया गठबंधन के खेमे में भारी जोश है, उल्लास है। विधानसभा चुनाव में उनकी ताकत अब और बढ़ेगी। वहीं भाजपा खेमे को कोर्ट के आदेश के बाद थोड़ी निराशा हो रही होगी। हालांकि बीजेपी को एक फ़ायदा ये हो सकता है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के बाद से भाजपा को सत्ता पक्ष पर हमले का कोई ताकतवर हथियार नहीं मिल रहा था, कोई बहाना नहीं मिल रहा था। हेमंत सोरेन के जेल जाने के 5 महीने बाद तक भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें ही निशाना बना रहे थे, उनकी ही खामियां गिना रहे थे, उन पर ही करप्शन चार्जेस लगा रहे थे, जबकि कल्पना सोरेन ने बखूबी विक्टिम कार्ड खेला इस चुनाव में। अपने आंसुओं से उन्होंने बीजेपी को आदिवासी विरोधी तक बता दिया, साबित भी कर दिया और लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा भी ले लिया। तो अब जब हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, बीजेपी एक बार फिर हेमंत सोरेन को टारगेट करेगी। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलें चल रही थी तो साथ साथ ये बात भी चल रही थी दोस्तों कि हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उनको कुर्सी पर बिठा सकते हैं। लेकिन हेमंत ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया। फिर कल्पना सोरेन जब गांडे का उपचुनाव लड़ने जा रही थी तो उस समय चर्चा चली कि चुनाव जीत कर वे मुख्यमंत्री बन सकती हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन अब जबकि असली सीएम यानी हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, क्या चंपई सोरेन खुद उनके लिए कुर्सी छोड़ देंगे या फिर उनको कुर्सी से हटने के लिए कहा जाएगा, या फिर चुनाव तक हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को ही सीएम बनाए रखेंगे? अब ये बड़ा अहम सवाल बन गया है। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पार्टी के सभी फैसले वही लेते हैं, गुरुजी के नाम की सिर्फ मुहर लगती है। चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बनाने का फैसला भी
हेमंत सोरेन ने ही लिया था। चंपई सोरेन ने भी अपनी 100% लॉयल्टी दिखा दी है। हेमंत सोरेन से जेल में जाकर वे मिलते रहे, जब तक वे जेल में रहे 4-5 बार उन्होंने मुलाकात की, जेल से दिशा निर्देश लेकर सरकार भी चलाते रहे। तो सवाल है कि क्या 3 महीनों के लिए हेमंत सोरेन चंपई दादा को कुर्सी से हटाकर क्या उनकी नाराज़गी मोल लेने का कोई ख़तरा उठाना चाहेंगे? वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कई लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन ही गद्दी पर बैठें। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कई मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसलिए चुनाव तक चंपई सोरेन को ही CM बने रहने देना चाहिए। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मिलकर चुनाव की तैयारियों पर फोकस करें, क्योंकि CM बनने पर समर्थकों को तो खुशी होगी, लेकिन अगर उन्होंने चंपई सोरेन को हटा दिया तो ये संदेश जा सकता है कि उनको कुर्सी का लालच है, पद की लालसा है, इससे आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर विधानसभा चुनाव में जनादेश, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के पक्ष में रहा तो हेमंत सोरेन एक बार फिर जनता के विश्वास के साथ सत्ता में लौट सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस बारे में हम सभी अभी अटकलें ही लगा सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं। फैसला तो हेमंत सोरेन को करना है और सिर्फ हेमंत सोरेन को ही करना है। तो दोस्तों, हेमंत सोरेन क्या फैसला लेते हैं, उस फैसले के क्या कारण रहेंगे और उसके क्या परिणाम और प्रभाव होंगे, इस पर आगे के वीडियो में जब वे फैसला ले लेंगे तो चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।